नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान शख्सियत की स्टोरी लेके हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं, जिसके संघर्ष के आगे संपूर्ण मानव जात नतमस्तक हो जाए। नाम तो आप जान ही गए होंगे, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। इस स्टोरी को बनाने की जो प्रेरणा हुई हमें क्यों आई, पहले मैं इसको बता दूं। अभी हाल फिलहाल में प्रयागराज में एक प्रतियोगी छात्र ने सुसाइड कर लिया, दिल बहुत आहत हुआ। संघर्ष सबके जीवन में आता है, ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे दुनिया में जिसके जीवन में संघर्ष ना आता हो। लेकिन क्या संघर्ष को हम इतना सहन न कर सके कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं। फिलहाल हमारी समझ से ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में पृथ्वी पर भेजा है और हमें साबित करना होता है कि हम बुद्धिमान हैं। और अगर हमें साबित करने में असफल होते हैं तो हम भी उसी श्रेणी में पहुंच गए, उसके लिए क्या करेंगे, जानवरों की श्रेणी में। अब जिस व्यक्ति की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप उनके संघर्ष को सुनिए और देखिए कि क्या क्या उनके लाइफ में घटित हुआ और फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। कहा जाता है इंसान तब नहीं हारता जब वो फेल होता है, बल्कि तब हारता है जब वो अपने आप को पास होने की दौड़ से पीछे खींच लेता है। ये एकदम सूत्र वाक्य है, इसको बैठा लीजिए, यानी आपको अंत तक लड़ना ही लड़ना है जिस भी टारगेट को आपने सेट किया है। परिणाम चाहे जो भी हो, घबराने की कोई बात नहीं। आगे अब्राहम लिंकन, जन्म इनका 1809 से 1865 के बीच में, 1809 में जन्म हुआ, 1865 में इनकी मृत्यु हुई। शुरुआती पेशा इनका था वकालत का, जो पैतृक था। वकील भी ऐसे भाई बड़े अच्छे इंसान थे, पैसा सा अपने मुक्कल से ज्यादा लेता, जितना काम होता उतना ले लेते थे, लेकिन बाकी सब लौटा देते थे। तो ऐसे वकालत थोड़ा ना चलता है आज के जो दौर में। वकील साहब लोगों से भाई सीख लेना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे किसी पैसे पर भरोसा नहीं करते। जितना मेहनताना है बस उतना ही, बाकी सब रिटर्न। वकालत नहीं चली, छोड़ दिया वकालत। 1832 में उनकी एक नौकरी लगी थी, वो भी किन्हीं कारण बस वो भी छूट गई। उसके पश्चात क्या हुआ, फिर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। उसके 2 साल बाद उनकी पत्नी की डेथ हो गई, बड़ी परेशानी की बात, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, डिप्रेशन में चले गए। किसी तरीके से अपने आप को उन्होंने रिकवर किया, रिकवर करें फिर कुछ आगे काम बने। उसके बाद वहां पर सीनेट का चुनाव होता है, सीनेट का उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। फिर एक होता भू अधिकारी का चुनाव, वो लड़ा उन्होंने, वो भी खारिज हो गया। एक उसी दौरान उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, ये चलो बिजनेस शुरू करते हैं, वो भी फ्लॉप हो गया। यानी लगातार असफलता पे असफलता, असफलता पे असफलता, लेकिन एक बात तो ठीक थी, इंसान अच्छे थे, ईमानदार थे। आज के जमाने में ऐसे लोगों को बेवकूफ का, ईमानदारों का मजाक उड़ाया जाता है, आपने भी देखा होगा, अरे भाई बड़े ईमानदार हैं, हम लोग मजाक उड़ाते हैं।
यही सोच हमारे समाज की बेईमानी को बढ़ावा देती है। बेईमानी के लिए खाली सिस्टम ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी सोसाइटी भी जिम्मेदार है। हम लोग बेईमान को थोड़ा तरजीह देते, बड़ा पैसा है यार, बड़ा आलीशान मकान है, ये है वो है, फलाना धमाका है, लेकिन वहीं पे एक अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान अगर सामान्य सा कपड़ा पहने, सामान्य सी गाड़ी से चल रहा है, अरे बहुत ईमानदार। हमारी सोच है उनको सम्मान देने की जो भ्रष्टाचारी हैं, ईमानदार व्यक्ति को सम्मान देने की हमारी सोच है नहीं। बस यही यही कमी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही समाज में। दोनों पक्ष जिम्मेदार है, कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, एनालाइज कीजिए, जितने भी समाजशास्त्री हैं उनसे एनालाइज करवा लीजिए कि क्या भ्रष्टाचार के लिए एक पक्ष जिम्मेदार है, क्या सिस्टम ही जिम्मेदार है। सिस्टम ही जिम्मेदार नहीं, हमारी सोसाइटी भी जिम्मेदार है, हम अपने आप को भी जिम्मेदार मानते हैं, अपनी कमी को स्वीकार करें हम लोग। अब्राहम लिंकन भी बड़े ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान, और वही ड्रॉबैक भी थी उनकी इस समाज को लेकर। इस समाज जो है ऐसे लोगों को स्वीकार कर ही नहीं पाता, सबसे खास बात तो ये। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता किया ही नहीं। 1856 में फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। पुनः 1858 में पुनः फिर चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। अब तो अमरीका में कुछ बचा नहीं था भाई उनके लड़ने के लिए, एक बचा था खाली राष्ट्रपति का चुनाव। कहे चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रपति का उन्होंने चुनाव लड़ा 1860 में और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, और दुनिया के सामने ऐसी मिसाल पेश किया कि फिर लोग कायल हो गए। और ऐसे ऐसे काम किए अमेरिका में जो सामान्य राष्ट्रपति शायद न कर पाता। दास प्रथा बहुत ही बीभत्स बुराई थी अमेरिका की, भारत में भी थी, उसको उन्होंने खत्म किया, अमेरिका को गृह युद्ध से बचाया, गृह युद्ध से पार लगाया। ये थे अब्राहम लिंकन, अश्वेत राष्ट्रपति। बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, जन्म से ही इनकी जो जिंदगी थी संघर्षों से भरी पड़ी थी। लेकिन इन्होंने एक सेंटेंस कोट किया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी व्यक्ति को अपने मन से नहीं हारना चाहिए। आप लोग भी दोस्तों कभी मत हारिए, संघर्ष करने की जो क्षमता है ऐसे महापुरुषों में आप देखिए। हमारे यहां एक आइकन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम जब अयोध्या में थे तब मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए, राजपाट था। 14 वर्ष का वनवास काटा उन्होंने भाई, जंगल जंगल वन वन घूमे, और जब वहां से लौट के वो आए अयोध्या में फिर पुनः राज्याभिषेक उनका हुआ, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। क्यों ये उपाधि दी गई मर्यादा पुरुषोत्तम की? उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था 14 वर्षों का, और पूरा राजपाट छोड़कर वन में रहे थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई। जितने भी ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके आगे महान शब्द या मर्यादा शब्द या महात्मा शब्द लगा है, तो कुछ न कुछ बहुत विशेष बात उनके अंदर होगी, तभी ये शब्द ये उपाधि उनको दी जाती है। ऐसा नहीं कि ऐसे सामान्य तरीके से दे दिया गया, भाई नहीं आप हैं तो दे दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक मुश्किल थी, एक बाधा थी, उस बाधा से पार उन्होंने अपने आप को लगाया और समाज के लिए एक आइकन बने। तो ऐसे लोगों को महानता की श्रेणी में रखा गया। आप भी दोस्तों संघर्ष से बचने के लिए कोई भी उपाय जतन ना करें, जो भी संघर्ष लाइफ में आ रहा डटकर मुकाबला करें, डटकर सामना करें, और पाएंगे ये कि अंत उसका बहुत ही बेहतरीन होगा। अब्राहम लिंकन की लाइफ से कुछ सीख लीजिए, निसंदेह आपको फायदा होगा। आज की मोटिवेशनल स्टोरी यहीं तक। इस स्टोरी को पसंद अगर आई हो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए,
नमस्कार, धन्यवाद।